Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth Always Exposes Darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप में कितना सच्चाई है, कितना झूठ है, क्या है इस रिलेशनशिप में, आखिरकार आपके पर्सन जो है उनकी जो कहना है क्या है आपके लिए, इस सारे विषय को आज हम चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे एंड डेफिनेटली इस रिलेशनशिप का जो सत्य है आपके सामने लेके आएंगे. ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जेन्युइन प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देख लेते हैं यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स क्या चाहते हैं, आखिरकार इस रिलेशनशिप में कितना सच्चाई है, कितना झूठ है, प्लीज बताएं. वी डू हैव हॉस्टिलिटीज. वी डू हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन. Door to value. Cornucopia. Second chakra Archangel Ariel. Rest and rejuvenation. Bottom of the deck we do have the star card action. Women holding a heart contract. This is like a six of pentacles energy. ठीक है. Taurus Virgo Capricorn वृषभ कन्या मकर राशि यहाँ पे है. Aquarius Gemini Libra कुंभ मिथुन तुला राशि यहाँ पे है. Aries Leo Sagittarius मेष सिंह धनु राशि यहाँ पे है. Cancer Pisces Scorpio भी है. एक्वेरियस कुंभ राशि यहाँ पे है. क्वीन ऑफ कप्स कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 17 and 44 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं ताकि आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे. ट्रिपल फोर 11 44 आप देख सकते हैं. डबल सिक्स 666 आप देख सकते हैं. जर्नी यहाँ पे है. ओके, आई होप यू कैन सी दोज कार्ड्स प्रॉपरली. ठीक है. यहाँ पे मुझे उस तरह से दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एंड आखिरकार सत्य क्या है. जिनके लिए भी आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आखिरकार क्या चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में क्या होके रहेगा आगे. देखो, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा झंझट, ज़्यादा से ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ें हैं, जैसे बोला जाता है ना कि मैन इज़ द क्रिएटर ऑफ देयर ओन डेस्टिनी. कुछ तो हम कर्म लेके आते हैं और कुछ हम इस जन्म में करते हैं जो उसका भुगतान हमें करना पड़ता है, राइट. आपके पर्सन नो डाउट, देयर इज़ नो डाउट दैट देयर माइंड, देयर हार्ट, देयर बॉडी, देयर सोल is only focused on money. Materialistic issues are always there. यहाँ पे उनकी focus, उनकी जो सारे ध्यान बोल सकते हैं आप, पैसा है. पैसा, पैसे को कितना ज़्यादा खर्चा कर पाए, comfort और luxury life किस तरह से वो जी पाए. Even आपके person ऐसी कुछ relationships में हो सकते हैं जहाँ पे दे डू इट फॉर फन. ठीक है, मजे के लिए वो करते हैं उस सारे रिलेशनशिप को एंड आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू द फर्दर थिंग्स. ऑन द अदर साइड आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे इंसान हैं जब हमेशा जो यू आर सच अ पर्सन नाउ हु कैरी हार्ट ऑन देयर स्लीव्स. आप अपने दिल को अपने यहाँ पे रखते हैं. मतलब कोई भी आपसे आपके सामने आ जाए आप उनसे इतना प्यार कर बैठते हैं,
बिकॉज यू आर ऑलवेज वेरी सेंसिटिव अबाउट लव एंड आपको लगता है कि प्यार से और कुछ बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं वो सत्य युग की बात है, बट ये जो वर्ल्ड है, दिस वर्ल्ड इज ऑफ कलयुग। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन इस इंसान से काफ़ी ज़्यादा है कि आपको लगता है कि जैसा मैंने प्यार इनको किया है तो मुझे वैसे ही रेसिप्रोकेट करना चाहिए। बट क्या ये इंसान ऐसा कर रहे हैं? आप हमेशा इस इंसान को अपने हिम्मत जो है, आपका हौसला जो है बढ़ जाता है, आपका हौसला क्या है, बढ़ जाता है इस इंसान के आने से, इस इंसान का एक पिक्चर जो है देखने से, या ये इंसान अगर आपको एक मैसेज भी कर दे तो आपके लिए वो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। जब आप कॉल करते हैं तो ये आपको ये डेफिनेटली शो करते हैं कि बहुत बिजी है, आजकल बहुत ज़्यादा लोड आ गया है काम का, जैसे कोई और काम तो करते ही नहीं है, सब लोग ऐसे ही घर में बैठे हैं, तो उनके पास सबसे ज़्यादा लोड है, उनके पास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके पास सबसे ज़्यादा अपोजिशंस है, यही दिखाने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे कि देखो ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मेरा प्रमोशन हुआ है इसलिए लोग बहुत ज़्यादा जेलस है, मैं पैसा सबसे ज़्यादा रोज़गार ज़्यादा कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ झेलने पड़ते हैं, लोगों को पता चल गया है मेरा सैलरी कितना है तो लोग नहीं चाहते कि मैं उस डिपार्टमेंट में काम करूं। तो ये सब कुछ एक्सक्यूजेस देके ये आपसे डेफिनेटली कुछ बोल देंगे कि आप बाद में मुझे कॉल करो, या ऐसा हो सकता है ये बोल दे कि थोड़ी देर बाद हम कॉल करते हैं, फिर बाद में ये सो जाएंगे एंड दे विल नेवर रिप्लाई बैक टू यू इन द मॉर्निंग। जब ये आप खुद ही कॉल करोगे या मैसेज करोगे तब जाके ये रिप्लाई देंगे, कभी कभी वो भी नहीं देंगे। इस रिलेशनशिप तभी जाके ठीक है सही हो सकता है। देखो हकीकत क्या है रिलेशनशिप का, यहाँ पे कानून जो है, जैसा बोला जाता है कि भले द लॉ इट्स लाइक दैट कि सबके लिए समान होना चाहिए, सो देयर शुड बी अ बैलेंस। उनके ज़िंदगी में जिस तरह से बैलेंस है आपकी ज़िंदगी में तो उतना ही बैलेंस होना चाहिए, वरना रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे होगा। आप जो इनके ऊपर प्यार बरसा रहे हो तो वो भी बारिश आपके और भी तो आना चाहिए, वरना क्या होगा, आपकी जो पूरी खेत है वहाँ पे ड्राई हो जाएगा। ठीक है, आप अगर उनकी ज़िंदगी में सनशाइन हैं तो उनको भी आपकी ज़िंदगी में बारिश देना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट लाइट, विदाउट हीट, विदाउट वाटर ये जो वेजिटेबल गार्डन है या फ्रूट्स गार्डन है ये तो बढ़ेगा नहीं ना, तो दोनों का समान कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, रिश्ते का हकीकत यही है। बट ये इंसान जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे आर बेसिकली सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड, सिर्फ अपना ही खुशी, अपना ही चीज़ों के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव हो जाना, ज़्यादा ही आपको कुछ ऐसा उल्टा सीधा बात कह देना, अगर आप ज़्यादा कुछ बोल दो उनको तो ऐसे बोलेंगे डोंट क्रॉस योर लिमिट, आप अपने लिमिट में रहे। तो यहाँ पे देर इज़ नो इक्विवेलेंट ऑफ लव, देर इज नो इक्विवेलेंट ऑफ लव, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे बेसिकली जो होना चाहिए था। ये इंसान जो है जब भी मन चाहे ये कहीं पे भी चले जाते हैं, ठीक है, और बताने की ज़रूरत नहीं समझते कभी कभार, अगर आप इनको पूछते भी है, अगर आप हस्बैंड वाइफ भी है, अगर आप उनको पूछते भी है कि वेयर आर यू गोइंग और वेयर आर यू ट्रैवलिंग, सो दे विल से नहीं ऑफिस का काम था इसलिए मैं जा रहा हूँ या इसलिए मैं जा रही हूँ, एंड देन दे विल स्पेंड देयर मनी, क्या कुछ करेंगे बाहर जाके, यू डोंट नो एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन। नाउ यहाँ पे रिलेशनशिप का जो एक पोजीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट वन इज़ वेरी इमोशनल, इतना इमोशनल कि आप आंसू बहते जाएगा, एक नदी बन जाएगा आपकी आंसू की, और दूसरा जो है हार्ड कोर लाइक ओनली मनी एंड नथिंग एल्स। इनके लिए आपके लिए हो सकता है कि पैसा शायद एक बेड जो है, बिस्तर जो है वो खरीद सकता है,
लेकिन शांति नहीं खरीद सकता, बट इनके लिए ठीक है शांति नहीं खरीद सकता, लेकिन आराम जो है, कंफर्ट जो है वो तो खरीद सकते हैं हम। ऑफ कोर्स दे इन्वॉल्व इन मेनी काइंड ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, यहाँ पे देखो राइट, दिस इज अ सेक्रल चक्र, इट्स ऑल अबाउट दैट, इट्स ऑल अबाउट यू कैन से गेटिंग इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और समथिंग और इन एनी काइंड ऑफ इलीगल रिलेशनशिप। इसलिए जब भी आप उनको चेज करने की कोशिश करते हो तो वो ये रिस्पॉन्ड नहीं करते, ये भाग जाते हैं फिर, ठीक है। बट कुछ हालत में मुझे यहाँ पे दिख रहा है इम्प्रूवमेंट हुआ है तब से जब आप खुद स्ट्रिक्ट होना सीखे हैं और इनके जो भी इशारे हैं उनके ऊपर आपने नाचना बंद कर दिया है, जो भी वो कहते थे आप करते थे। बट राइट नाउ आई कैन सी द सिनेरियो कि आप भाग रहे हैं, आप भागना चाहते हैं उनसे, आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। भले ही यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि जितने भी फसाद का जड़ है यही है, यही करते हैं प्रॉब्लम्स। ओके नाउ लेट मी सी कि इनका फ्यूचर प्लान्स क्या है, व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ दिस पर्सन, व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ दिस पर्सन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, द सन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, टेन ऑफ वैंड्स। देखो अगर आपको इस रिलेशनशिप को बरकरार रखना है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको इस इंसान को समझना पड़ेगा इन डिटेल्स। आपके साथ अगर इनका एक सोलमेट रिलेशनशिप है, चाहे ये कहीं पे भी जाए वो आपके पास लौट के आने वाले हैं। आप अपने इमोशंस को जितना कंट्रोल में रखेंगे उतना इजी हो जाएगा इस रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ कप्स अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक ऑपोजिट सिनेरियो हो रहा है यहाँ पे। नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस इट कैन टर्न इनटू बेटर, अगर आपका रोल यहाँ पे रिवर्स हो जाए, इफ़ यू बिकम मोर स्ट्रिक्ट, अगर आप अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो तो बहुत अच्छा है। स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर वर्क, लेट देम डू, लेट देम फील, ठीक है, उनको भी महसूस करने दो, यू आर नॉट अलाउइंग देम टू फील द रिलेशनशिप, लेट देम फील द रिलेशनशिप, लेट देम टेक द बर्डन, ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दो, तब जाके ये सही होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनिशिएटिव लेते रहे तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको भी इनको वक्त देना पड़ेगा, आपको भी इनको समझना पड़ेगा कि इनका इंटेंशन क्या है। मुझे उतना खराब नहीं दिखाई दे रहा है इंटेंशन, बट फिर भी दिस रिलेशनशिप नीड्स अ प्रॉपर बैलेंस, अदरवाइज इसमें हल, अगर आप सीरियसली बहुत ज़्यादा पकड़ने की और बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दिखाने की, पॉजिटिवनेस दिखाने की कोशिश करेंगे इनको बुलाने के लिए, दिल इनका पिघलने वाला है नहीं, बिकॉज दे आर लाइक दैट मेंटेलिटी। सो यू हैव टू, अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, सो यू हैव टू वेट। मे बी वो आपको कॉल भी करे, मे बी आपको टेक्स्ट भी करे, मे बी आपको मैसेज भी करे, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से गड़बड़ वाला शुरू हो जाएगा बात। सो यू हैव टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना आप अपने आप को इंडिपेंडेंट रखेंगे उतना ही इस रिलेशनशिप में आप देखेंगे कनेक्शन स्टेबल होता जा रहा है, बिकॉज एनर्जी नीड्स टू बी बैलेंस्ड। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक पेज में नहीं है, आप समझो इस चीज़ को, एक पेज में होना चाहिए रिलेशनशिप को। मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, रिलेशनशिप मस्ट बी ऑन द सेम पेज, बट दिस इज नॉट द सेम पेज, दिस इज एंटायरली ऑपोजिट एंड डाइवर्स। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पे कोई बोल सकता है कि दोनों एक्चुअल गुड पेयर है? द एनर्जी नीड्स टू बी बैलेंस्ड, यू हैव टू बी मोर लॉजिकल, दे हैव टू बी मोर इमोशनल, एंड देन द बैलेंस विल बी देयर। बैलेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
आप जितने भी लगाम को खींचने की कोशिश करें, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे देखो, दीज आर ट्विन फ्लेम्स एनर्जीज, दे आर गोइंग सेपरेटली। 6 and 9 दे आर लाइक दैट ओनली, राइट। सब समझो इस चीज को। यहाँ पे देख लेते हैं, द वेल वॉचर, विजडम पावर ऑफ द डिवाइन, द नंबर 7, ओके। द एरो मास्टर, हिटिंग द मार्क, इंटेंशन एंड डिटैचमेंट, ओके। द मेटल किंग, डिसिप्लिन, आर्मर, बाउंड्रीज। द फायर प्रिंस, ऑप्टिमिज्म एंड एग्रेशन। द हॉर्स किंग, असिस्टेंट एंड कंट्रोल। यहाँ पे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि जितना आप मोर स्पिरिचुअल साइड को एक्सप्लोर करने वाले हैं, और आपको पता चलेगा कि एक रेस्ट्रिक्शन, एक बाउंड्री देना भी ज़रूरी है, एक स्पेस मेंटेन करना भी ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में, वरना आप इस इंसान का बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव रूप देखते हो जो आपको पसंद नहीं आता है। एंड जब आप खुद ही अपने आप को कंट्रोल करोगे, तब आप देखोगे कि एवरीथिंग इज कमिंग इनटू प्रॉपर बैलेंस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लक्ष्य में फोकस करना है, और थोड़ा सा डिटैचमेंट होना चाहिए। अटैचमेंट इज अ वेरी नेगेटिव थिंग, डिटैच होके देखो थोड़ा सा, बी सेल्फ सपोर्टेड, एंड देन द रिलेशनशिप इज गोइंग टू गेट इम्प्रूव्ड। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much, guys.